Assalamualaikum everyone. मेरा नाम मुशर्रफ अली फारूकी है और आज हम गेट्स फार्मा लाइब्रेरी फॉर द क्लासिक्स के सिलसिले के पांचवी टॉक या पांचवा किस्सा डिस्कस कर रहे हैं. इसका नाम है किस्सा सिपाही ज़ादा. और इंग्लिश में इसका तर्जुमा हुआ है द एडवेंचर्स ऑफ अ सोल्जर के नाम से. ये इसके मुसन्निफ खुश दिल किरतपुरी साहब हैं और ये किस्सा नस्ल में नहीं बल्कि मसनवी की शक्ल में यानी मंजूम बयान किया गया है. तो इस किस्से की कहानी काफी दिलचस्प है. इसमें एक शख्स है जो बतौर सिपाही कहीं पर मुलाजिम है और यानी जब किस्सा शुरू होता है तो वो कहीं पर मुलाजमत करता है और उसको उन्होंने तनख्वाह नहीं दी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, बाद में ले लेना, ये करना वो करना. तो वो उनसे झगड़ता है कि भाई आप मुझे क्यों नहीं तनख्वाह देते मेरे और आप फौरन में सारे जितने ड्यूज हैं अदा करें वरना मैं यहाँ पर आपको तमाशा दिखाऊंगा. तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुमको पता है कि पैसे नहीं है हमारे पास वगैरह वगैरह और आ जाएंगे, पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता है. तो फाइनली वो कहते हैं देखो भाई पैसे वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे और तुमको अगर अभी कुछ चीज़ चाहिए तो ये हमारे पास एक बैल है और काफ़ी कीमती बैल होता है और वो कहते हैं कि ये तुम ले जाओ और इसी को अपना पेमेंट समझो और वरना फिर हमारे पास और पैसे नहीं. तो ये सिपाही साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो भाई यही भागते चोर की लंगोटी है, चलो ये जो चीज इसी को गनीमत समझिए और इसको लेके निकलते हैं. तो वो इतनी मेहनत का कमाया हुआ बैल लेकर और दिल में मंसूब बनाते हुए जा रहे हैं कि अभी काफी महंगा बिकेगा और ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जितने मेरे ड्यूज से शायद कुछ ज्यादा ही मिल जाए. और ये जब जंगल से गुजर रहा होता है तो दो ठग इसको देखते हैं वहां से गुजरता हुआ और उसको देख के समझ जाते हैं कि भाई ये सिपाही है और इसके पास हथियार वगैरह हैं. तो इससे हम अगर ये बैल छीनने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती तो शायद ये लड़े और हम इसके अंदर मारे जाएं. तो इसको जरा धोखे से इसका काबू करें. तो ये सिपाही साहब अपना हिसाब लगाते हुए जा रहे हैं कि इतने का बिकेगा मेरा बैल या उतने का बिकेगा. तो वहां पर ये जाकर ठगों से इनका आमना सामना हो जाता है. अब वो ठग कहते हैं कि भाई ये बैल बिकाओ है क्या, बेचोगे? तो वो कहते हैं हाँ जी बेचेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो तो मंसूबा ही बना रहे थे. तो वो कहते हैं कि कितने का? तो कहता है कि भाई इतने का मैं दूंगा. तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है. तो कहते हैं आप बता दें. तो आगे नहीं इस तरह हम नहीं बताएंगे, हम ऐसा करते हैं कि कोई एक न्यूट्रल आदमी से जिसका कोई लेना देना नहीं हो इस मामले से उससे हम पूछते हैं कि आप कितनी कीमत लगाएंगे बैल की और वो जो भी तजवीज करेगा उसका मतलब होगा कि वो एक मुनासिब कीमत है और वो हम उनको पे कर देंगे. तो सिपाही कहता है ठीक है. और वो दो ठग जो हैं वो उसको अपने साथ अपने अब्बा जान के पास जो जंगल में उनका घर था वहां पर ले आते हैं कि भाई ये एक आदमी है जो कि जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये बता देगा कि ये बैल की कितनी कीमत होनी चाहिए. तो सिपाही को देखकर वो अब सिपाही समझ जाता है कि ये लोग जो हैं ये ठगे हैं. वो पहले नहीं समझाता लेकिन अब वो देखकर घर वर देखकर और बड़े मियां जो काफी चलता पुरजा थे उनको देखकर और इन ठगों की आंखें देखकर समझ जाता है कि ये ठगे हैं और अब मैं यहाँ फंस गया उनके हाथ. और जारी बात है वो दो और एक उनका बाप तीन और ये अकेला तो उसको अपनी जान खतरे में नजर आती है. तो कहता है अच्छा जी आप बताएं कितनी कीमत होनी चाहिए. तो उनके अब्बा जान जो कहते हैं कि वो कहते हैं दो टके का इसको खरीद, दो टके की इसकी कीमत है नहीं बिल्कुल कोई जिस तरह चार पैसे उस तरह के. तो सिपाही कहते हैं जी बिल्कुल जैसा आपने इरशाद फरमाया, आपसे हमारी बात पहले ही हो चुकी थी कि जो भी एक
जानबदार शख्स उसको तजवीज कर देगा, कीमत वही हम उसकी कबूल करेंगे, तो बस 2% दीजिए और मैं अपने रास्ते चलता हूँ। तो ये देखकर वो पैसे लेके सिपाही, लेकिन बहुत दिल में खार खाता हुआ और बदला लेने के ख्याल से वहां से चला जाता। और घर आता है वापस अपने, और लोग कहते हैं कि भाई तुम इतना अरसे नहीं थे यहाँ पे, तुमने क्या किया? तो कहता है कि भाई मैं गया था कहीं पर, वहां पे मैंने मुलाजमत करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे मेरा काम नहीं बना और रास्ते में किसी ने मुझसे बैल वैल छीन लिया, इस तरह हुआ। तो लेकिन अब ये दिल में अपने मंसूबे बना रहा है कि किस तरह मैं वापस जाऊंगा। तो खैर वो तैयारी करता है और एक नौजवान औरत का भेस बदल कर ये सिपाही जो है एक पालकी वगैरह मंगवाता है, और मजदूरों या जो उसको उठाने वाले होते हैं मजदूर, मुझे तुम जंगल में पहुंचा दो और वहां पर इसको हम जब मैं कहूँ चले जाना तो चले जाना, बस वहां पे मुझे छोड़ दे। तो ये अपना दुल्हन बने हुए सिपाही साहब जो है जंगल में पहुंचकर, और कहते हैं जब उसके ठगों का ठिकाना करीब आ जाता है तो उनसे कहते हैं कि यहाँ पे तुम बस मुझे उतार दो और अब तुम जाओ, और बस अब रुकना नहीं, बस दौड़ जाओ। तो उसके जो मजदूर वगैरह होते कहते हैं भाई इसको कुछ होगा, कोई इसका मंसूबा, और वो वहां पे रख के उसका डोला जो है या पालकी जो है उसकी दौड़ जाते हैं वहां से। अभी बैठा हुआ है वहां पे देख रहा है कि कब वो ठग आते हैं। तो वो दोनों भाई जो दोनों ठग थे वो उसको दूर से कहीं नजर आते हैं, और वो भी उसको डोले को ताक लेते हैं कि इसमें कोई गालिबन कोई शख्स या औरत बैठी हुई है। दौड़ के आते हैं और जब पर्दा उठाते हैं तो सिपाही साहब जो घर बने अंदर बैठे हैं भेस बदले। वो देख के बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ये तो घर बैठे दुल्हन आ गई, और वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो ये सिपाही अपना किस्सा सुनाता है कि भाई मैंने मेरी शादी हुई थी और अभी हम रास्ते में ही थे कि मेरा शौहर जो था उसने मेरा जंगल में रुकवाया है यहाँ पे और सारे मेरे जेवर वगैरह लूटे और भाग गया, काफी सारा सोना था। और अब मुझे तो मैं तो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली थी और अब मैं इस मुसीबत में पड़ गई हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होगा मेरा। तो पहले तो ठग ये सुन के काफी चौकन्ने हो जाते हैं कि काफी सारा सोना था जो कि इसका लूट के कोई ले गया है। तो वो दौड़ते हैं उधर उस आदमी को पकड़ने के लिए जिसके उससे सोना लेकर गया है, लेकिन वो उनको नहीं मिलता क्योंकि होता तो मिलता। और फिर ये खैर उसके पास वापस आते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारा शौहर जो था उस कमबख्त को तुमने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। तो खैर कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तुम बताओगे अब तुम्हारे क्या मंसूबे, तुम क्या हमारे साथ चल के रहोगी? तो सिपाही साहब तो इसी काम पे तैयार हो गया है, वो फरमाते हैं कि भाई मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, अब तुम जहां कहोगे जैसा कहोगे मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। तो एक भाई जो होता है कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझको बहुत पसंद आई हो, और दूसरा भाई भी इसी तरह के जज्बात का इजहार करता है। तो सिपाही कहता है कि देखो ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारे घर में कोई और शख्स भी रहता है? तो कहते हैं हाँ जी हमारे वालिद मोहतरम है वो रहते हैं। तो कहता है कि सिपाही कहता है कि मुझे तुम उनके पास ले चलो, वो जैसा फैसला फरमाते हैं बस वही सही। तो दोनों भाई कहते हैं ठीक है, और वो उसका डोला या पालकी उठाकर अब बाजार की तरफ चलते हैं। अब मजे की बात यह है कि दास्तान और किस्से में जहां पर भी कोई मर्द औरत की औरत के भेस में या लिबास में, उसके लिबास नहीं सिर्फ जो भेस है, यानी बतौर औरत अगर वो वहां पे गया हुआ है या उसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है, तो उसमें हमेशा एज अ फेमिनिन नाउन उसको एड्रेस किया जाएगा। यानी वो दुल्हन थी और वो चली गई उनके साथ, ये नहीं कहेंगे कि वो सिपाही था जब तक वो
अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर देता या इससे भागे आ जाता। तो अब जितनी भी कहानी है वो उसको बतौर एक नैरेटिव जो है वो उस कैरेक्टर को बतौर औरत ट्रीट करता है। और इसी तरह अगर कोई किसी औरत ने मर्द का रूप धारा हुआ है तो नैरेटिव जो होगा वो उसको बतौर मर्द और तमाम सीगे जो मुजक्कर किसी मर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं वही उसके लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर वो अब्दुल्हन साहिबा जो है जो कि असल में सिपाही है, सिपाही ज्यादा है, वो घर पर आके उतर जाती हैं और आते ही जो उनके वालिद मोहतरम होते हैं उनको देखकर काफी आंखें अपनी घुमाती हैं। तो अब्बा जान को कुछ ये जाहिर होता है कि भाई शायद ही मुझे पसंद करने लगी है और फिर वो फौरन ही उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और दोनों बेटों से पूछते हैं कि क्या है किस्सा, क्या बताओ क्या है। तो कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ आई है और इनके साथ ये वाकया हुआ और अब ये हमारे साथ रहने पर राजी हैं, तब आप फैसला कर दीजिए कि मेरे साथ रहेगी या मेरे बड़े भाई या छोटे भाई के साथ रहेगी। तो अब्बा जान कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो फिर मेरे खाने पीने का कौन इंतजाम करेगा, तो सबसे अच्छा ये है कि ये मेरे साथ रहे और मैं ही इसका रखवाला हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ रहेगी और अपना तुम दोनों के अंदर फिर इस तरह कोई लड़ाई नहीं होगी और इस तरह कोई बिल्कुल बंदर बांट होती है कि वो बंदर साहब जो होते हैं वो चूहों का माल खा जाते हैं, इसी तरह बजान जो इनके क्योंकि वो ठगे पुराने वो अपने बेटों का माल जो समझ कर लाए थे कि अब ये मेरा हिस्सा बनेगा या उस दूसरे का हिस्सा बनेगी, वो अब्बा जान उड़ा के ले जाते हैं। और वो दुल्हन साहिबा जो थी वो चाहती भी ये थी। अब अब्बा जान उनको बहुत प्यार मोहब्बत से रख रहे हैं, बहुत अच्छा उनके साथ सलूक कर रहे हैं और कभी कभी चुपके चुपके दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर देते हैं वो, लेकिन वो कुछ बात कतरा जाती है दुल्हन जो। तो खैर अब ये कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ रहो और तुम यानी कहते हैं तुम मेरी बीवी बनके रहो। तो दुल्हन कहती है कि कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, जब तक निकाह नहीं होगा तो मैं कैसे आपकी दुल्हन बन सकती हूँ। तो अब्बा जान ये समझ में बात आ जाती है, हाँ भैया तो बिल्कुल सही कह रही है, निकाह होना चाहिए, उसके बाद ही मेरे साथ रही। तो कहते हैं कि चलो तुम तैयारी करो। कहती है कि क्या तैयारी, तो कहते हैं देखो पूरे घर का सामान तुम्हारे सामने है और जिस तरह तुम चाहो पैसा वैसा खर्च करके तैयारी करो। तो कहती है ठीक है, बस फलाने दिन काजी साहब को बुलाने के लिए कोई शहर चला जाए और वो इनको लेकर आ जाए, वो निकाह पढ़ा देंगे। तो अब्बा जान जो होते हैं अपने एक बड़े बेटे की ड्यूटी लगाते रहते हैं कि भाई तुम जाकर इनको काजी साहब को बुला ला। तो वो जब काजी साहब को बुलाने निकल जाता है और काफी देर हो जाती है उस गए हुए, तो दुल्हन साहबा कहती हैं कि हाय अल्लाह ये तो भूल ही गई मेरे को चक्कर। बड़े मियाँ पूछते हैं क्या भूल गई आप। वो कहती हैं कि भाई हमको वो भी चाहिए था, बताशे भी चाहिए, क्योंकि काजी साहब अगर आएंगे निकाह पढ़ाने और उनको बताशे नहीं मिले तो बस तो वो तो फिर बहुत नाराज होंगे, वो निकाह पढ़ाए बगैर ही चले जाएंगे। तो अब्बा जान ये सुनकर डर जाते हैं कोई काजी साहब आकर बगैर निकाह पढ़ाए चले जाएंगे, और हाँ भाई वाकई बताशे तो होने चाहिए, काजी साहब अपना मुंह मीठा करेंगे। तो वो अपने छोटे बेटे को दौड़ा देते हैं कि भाई तुम जाके शहर से बताशे लेते हो। तो बड़े मियाँ बड़े बड़े साहबजादे जो इनके वो गए हैं काजी साहब को लेने और छोटे साहबजादे को भी गए, कुछ वक्त हो गया। तो अब दुल्हन कहती है कि अब मैं नहा धो के तैयार होती हूँ, आप जरा घर के बाहर जाके बैठे। तो बड़े मियाँ बहुत खुश हो घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो अब सिपाही अपना जो जनाना भेस उसने जनाना कपड़े पहने हुए थे वो उतार कर अपना वर्दी वगैरह जो भी उसके साथ मर्दाना कपड़े लाया था वो पहनता है। घर का सारा अंदर से जो भी सोना वोना इन्होंने दिखाया हुआ था कि यहाँ पे माल रखा हुआ है, हमने यहाँ पे माल रखा हुआ है, वो सब गठरी बना के अपने साथ रखता है।
और डंडा तलवारें वगैरह लगाकर और एक डंडा लेकर बड़े मियाँ के सामने आता है और आकर सलाम करता है। उनको कहता है कि क्या मेरा बैल वाकई 2 टके का था जैसा आपने अपनी कीमत उसकी तजवीज सुनाई। तो बड़े मियाँ ये सुनकर सन्नाटे में आ जाते हैं कि भाई ये क्या, लेकिन सिपाही फिर उनको मौका नहीं देता और खूब उनकी डंडे से मरम्मत करता है और फिर सारा सामान लेकर वहां से निकल जाता है। नहीं सॉरी, एक चीज बताना भूल गया, वो बड़े मियाँ को खूब पिटाई करके जब वो अधमरे हो जाते हैं तो उनको एक कुएं में उल्टा लटका जाता और वहां से निकल जाता। अब उनके जो साहबजादे हैं वो काजी लेकर और दूसरे साहबजादे बताशे लेकर जब घर पहुंचते हैं तो ना अब्बा जान का निशान और ना दुल्हन का, तो वो काजी साहब पूछते हैं कि भाई किधर है दुल्हन, क्या हुआ? कहते हैं कि भाई वो पता नहीं यहीं पे छोड़कर गए थे, वो अब्बा जान को और दुल्हन को। तो काजी साहब तजर्बाकार आदमी है तो वो कहते हैं कि भाई दुल्हन की उम्र क्या थी? वो कहते हैं कि भाई कोई 15-16 साल की इस तरह की दुल्हन थी हमारी जो अब्बा जान को पसंद आई थी। काजी साहब कहते हैं बस अब तुम भूल जाओगे, कभी तुमको तुम्हारे अब्बा जान मिलेंगे और वो दुल्हन मिलेगी। वो कहते हैं क्यों? कहा कि तुम्हारे अब्बा जान को पता था कि मैं आऊंगा तो जारी बात है मैं उनकी किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ तो निकाह पढ़ाऊंगा नहीं, और मैं तुम में से किसी के साथ पढ़ा देता तो उन्होंने ये मौका अच्छा जाना और दुल्हन को लेकर चंपत हो गया, वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो दोनों भाई ये सुनकर बहुत ही सन्नाटे में आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो, बजाने ने इस हरकत की, लेकिन सारा सामान वगैरह गायब है तो उनको यकीन आ जाता है कि यही हुआ होगा। और वो अब अफसोस कर रहे होते हैं खड़े हुए, काजी साहब कहते हैं भाई पानी तो कुछ मुझे पिला दो, इतनी दूर से आया हूँ मैं। तो वो खैर कुएं पे जाते हैं जब पानी लेने के लिए, तो देखते हैं कि अब्बा जान अंदर उल्टे लटक रहे हैं। और वो उनको निकालते हैं, बहुत रोते धोते हैं, अफसोस करते हैं कि हाय हाय आप किसने मारा, कौन ऐसा बेदर्द इंसान था। उनके अब्बा जान बताते हैं कमबख्तो तुम जिस शख्स को लाए थे वो दुल्हन नहीं थी बल्कि सिपाहीजादा था जिसका हमने बैल लिया था मौके से, और वो आया है और मेरी डंडों से मरम्मत करके गया। तो ये बहुत से सुन के गुस्से में आते हैं इनके बेटे के अब्बा जान के साथ, तो ये बड़ी ज्यादती हो गई, और कहते हैं कि कोई बात नहीं वो हमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा और उसको हम करार वाकई सजा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। तो अब्बा जान जो है इनके वो अब बहुत बुरी हालत में और वो घर पे पड़े हाय हाय कर रहे हैं, तो इतनी देर में ये जो सिपाही ज्यादा है ये घर पहुंचता है अपने, और वहां से 1-2 दिन घर पे आराम करके फिर नया भेष बदल के इस मरतबा एक हकीम का या तबीब का गठरी वगैरह बांध के झोला लेकर और निकलता है, और जहां पर जंगल में जहां पे उनका घर था ठगों का और जिस कुएं में अब्बा जान को उनके उल्टा लटकाया गया था उस कुएं के पास जाके बैठता है। तो ये ठगों का उधर से गुजर होता है और देखते हैं कि एक शख्स बैठा है, कहते हैं भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो कहते हैं मैं हकीम हूँ और घूमता फिरता इधर आया हूँ, और बस मेरे हाथ में बड़ा फन है उसका लोगों को ठीक करने का, और कैसा भी मर्जों में उसकी तशखीस कर लेता हूँ और उसको बिल्कुल ठीक ठीक उसका इलाज कर देता हूँ। तो ये लड़के सुन के खुश होते हैं कि भाई चलो अच्छा हुआ कोई शख्स आ गया, क्योंकि अब्बा जान की तबीयत नासाज है, खूब उनकी पिटाई हुई है, और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें और बहुत मशहूर होंगे हम आपके अगर आप हमारे साथ चलकर हमारे अब्बा जान का इलाज करें। तो कहते हैं बहुत खुशी से मैं चलता हूँ आपके साथ, और वो घर में आ जाते, देखते हैं कि अब्बा जान बिस्तर पर पड़े हाय हाय कर रहे हैं। बच्चे उनको कहते हैं अब्बा जान खुशखबरी, हकीम आ गया है आपका इलाज करने और बहुत पहुंचे हुए हकीम है, अभी देखें आप मर्ज तशखीस करते हैं। तो हकीम साहब बैठ जाते हैं वहां पर और कुछ बड़े मियाँ किया मायना करते हैं, और फिर कहते हैं भाई लगता है कि कोई शख्स आपके साथ कोई हमलावर था जिसने आपके साथ ये सलूक किया है और बहुत बेदर्दी से आपको मारा है, हाय हाय ये तो बहुत ही आपके साथ ज्यादती होगी।
बड़े मियाँ ये सबका कुछ हमदर्द कोई हमदर्दी कर रहा है हमारे साथ, वो खुश होते हैं, कहते हैं हाँ देखो तुम बहुत अच्छे हकीम हो, मैंने फौरन ही पता कर लिया कि कोई मेरी पिटाई करके गया है और अब तुम बताओ क्या करूँ। तो कहते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी खिदमत करूंगा और इलाज करूंगा और आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। तो सब खुश, अब वो बड़े मियाँ का इलाज हो रहा है बहुत ही हकीमाना तरीके से, कभी मुर्गी की यखनी पिलाई जा रही है, कभी दाल खिलाई जा रही है, कभी मछली, कभी अंडा, कभी कुछ, और तेल की मालिश हो रही है और जख्म उनके थोड़े थोड़े करके सारे हील होना शुरू हो जाते हैं। और बड़े मियाँ जो हैं वो कुछ अरसे के बाद फिर उठने बैठने और चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। वो बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत उनके ग्रेटफुल हैं अब्बा जान की हमारी हमारा आपने इलाज कर दिया। तो वो कहता है कि आप जो हैं इसको मुझे अब मैं अपना गुस्ले सेहत करूंगा ताकि फिर मैं फिर अपनी सेहत याबी का जश्न मना सकूं। तो वो कहता है कि अभी आप नहीं करें कुछ, आपकी पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं हुई, कुछ और अर्सा मैं लग के इलाज करूंगा, उसके बाद फिर आप कीजिएगा। तो फिर वो यही होता है कि अब्बा जान जब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं तो वो दोनों बेटे हैं उनको बहाने से इधर-उधर करता है और हकीम जो है फिर अपना बड़े मियाँ को बिठाकर और डंडा लेकर उनके पास आता है और कहता है कि आदाब, और ये बताइएगा कि जो बैल था मेरा वो वाकई 2 टके का था जैसा आपने फरमाया। अब बड़े मियाँ तो तकरीबन इनको हार्ट अटैक हो जाता है कि भाई ये क्या, और पहचान जाते हैं ये तो वही शख्स है और इसका मतलब है ये हकीम बना हुआ आया था। It puts 2 and 2 together. तो वो बड़े मियाँ को फिर मौका नहीं देता है और खूब उनकी अच्छी तरह कुटाई करता है, और जितने वो सेहतियाब हुए थे और खुशी मना रहे थे और एक उनको इत्मीनान हासिल हुआ था, वो फिर पहले से ज्यादा उनकी बुरी दुर्गत बनाता है और बुरा हाल उनका करके, और फिर घर से माल असबाब लूट कर जितना भी था उनका वहां से निकल लेता। अच्छा फिर ये अपने घर आता है और खूब फिर हलवे वलवे खाता है, पकाता है, पड़ोस में मिठाई भिजवाता है और आराम से काफी पैसे लूट कर लाया वहां से पहले भी और उस मरतबा भी। अब उसके बेटे जो आते हैं बड़े मियाँ के, वो देखते हैं कि हकीम साहब गायब है और अब्बा जान बड़े हाय हाय कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं वो बस जो था वो असल में हकीम के रूप में आया था उस मरतबा सिपाही वाला, और मेरी तुम इधर उधर हो जाते हो और वो जो है पीछे से आ जाता है और मुझे मारता है, तो तुम ये सब तुम्हारा कसूर है कि तुमने उसको फिर मेरे घर में घुसा दिया। बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं और माफी वाफी मांगते हैं अब्बा जान से और कहते हैं कि आइंदा ये हरकत नहीं होगी और अब हम उसके खून के प्यासे हैं और यकीनन वो कहीं ना कहीं से हमारी उसकी मुलाकात होगी और उसको हम ऐसी सजा देंगे, ऐसा उसका हशर करेंगे कि रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। तो अब्बा जान खैर कोई बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है क्योंकि एक मरतबा वो देख चुके हैं। तो लेकिन मीन वाइल अब ये होता है कि सिपाही जहाँ पे अपने घर गया है और वहां पर सारा पड़ोसी अड़ोसियों की दावत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके पड़ोसी उससे मिलने आ जाते हैं और जिस तरह के कुछ पड़ोसियों की आदत होती है नजर रख रहे हैं भाई क्या चीज हो रही है इसे घर में, ज्यादा खाना पक रहा है, कम खाना पक रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो उसके पास एक आते हैं और कहते हैं कि भाई पिछली मरतबा जब तुम आए थे तो तुम्हारे पास कोई खास पैसे नहीं थे, उसके बाद तुम जब से आए हो बड़ी पैसे हुई रेल पेल है, खूब खाने पक रहे हैं, दावतें उड़ाई जा रही है। तो वो कहता है कि हाँ वो असल में मेरा बैल मैंने जिन साहब को बेचा था वो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, तो जब भी मैं जाता हूँ वो उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे बैल के उसको देने के, लेकिन वो मुझे और तरह से हर तरह से मदद करते हैं, कहते हैं ये पैसे ले जाओ वो पैसे ले जाओ, तो इस वजह से ये आप देख रहे हैं सारी जो रौनक है घर में और जो खुशहाली उनके पड़ोसी जो होते हैं बड़ा लालच आता है, कहते हैं हमको भी लेके जाओ उसके पास जब तुम जाओ, हम भी कुछ उससे लेकर आए। सिपाही कहता है कि जी बेहतर, मैं आपको अगली मरतबा जाऊंगा तो मैं उनको जरूर
लेता हूँ आपको, आपको लेकर जाऊँ। अब सिपाही कुछ दिन आराम करने के बाद और उन दोनों अपने पड़ोसियों को लेकर रवाना होता है और कहता है कि देखें वो जो बड़े मियाँ हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी आदतें हैं और बहुत मेरा आवभगत करते हैं, लेकिन उनके दो बेटे जो हैं वो बहुत खबीस हैं, तो मुझे देखते हैं तो झगड़ा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो अगर आपको बड़े मियाँ मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर लड़के मिले तो फिर उनसे ज्यादा बात नहीं हो सकेगी, लेकिन बहरहाल हम अपनी लक ट्राई कर लेते हैं। और कहता है कि मैं जरा पीछे खड़ा रहूंगा, जरा पता करेंगे घर में कौन है, तो आप जाइएगा और दरवाजा खटखटाएं और अंदर से कोई पूछे कौन है, तो कहना कि सिपाही ज्यादा जो बैल वाला है वो बैल वाला सिपाही आया है मिलने के लिए। तो ये कहते हैं ठीक है, और सिपाही साहब जो होते हैं वो दूर कहीं खड़े होकर उसका देख रहे होते हैं उनको, और ये जो दो हैं उनके पड़ोसी, ये दरवाजे के पास जाके दरवाजा बजाते हैं और कहते हैं अंदर से उसके ठग के लड़के पूछते हैं कि कौन कौन आया, कहते हैं जी बैल वाले सिपाही, तो वो तो ताक में बैठे हुए थे इनकी, वो तेजी से निकल कर आते हैं और लेना और पकड़ना कहकर, सारी बात उनको इस वक्त नजर भी सही नहीं आ रहा होगा शाम का वक्त कौन आया है, लेकिन उनको उस शख्स को पकड़ना है, तो वो हमला कर देते हैं उस पर। अब ये भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ लेते हैं इनको, तो फिर ये भी लड़ते हैं और ये आपस में गुथे हुए होते हैं, तो सिपाही ज्यादा जो है सिपाही साहब जो है वो घर के पीछे से दरवाजे से दाखिल होते हैं और अब्बा जान के पास पहुंच के फिर सलाम करते हैं, कहते हैं कि फरमाइए जो हमारा बैल था आपको याद होगा क्या, वो वाकई 2 टके का था, तो अब्बा जान तो लेट जाते हैं उसी वक्त और ये खूब उनकी फिर दुर्गत बनाकर और इस मरतबा जो कुछ घर में बच गया था वो लेकर और अपना बैल लेकर बैल पर सवार होकर वहां से हवा हो जाते हैं। और ये जो इनके थे दो पड़ोसी, इनकी खूब पिटाई होती है और उसके बाद ये भी पिट पिट आकर ये अपने घर आते हैं, तो देखते हैं कि सिपाही बैठा हुआ है वहां पे, वो कहते हैं भाई तुम, मैंने तुमको कहा था कि जब उनके लड़कों को देखो तो भाग जाना, तुमने देर की तो उन्होंने मारा, ये तो होता है, लेकिन बहरहाल मैं कुछ लाया हूँ तुमको, मैं अगली मरतबा जाऊंगा तो कुछ ना कुछ दूंगा तुमको, और ये कहकर सिपाही साहब जो है अपने घर में चले जाते हैं। उधर वो जो ठगों के अब्बा जान है वो मातम कर रहे हैं कि भाई क्यों मेरे साथ की बार बार चीजें हो रही हैं, और खूब रोध हो रहे हैं और कहते हैं कि इस मरतबा अच्छा हुआ कि वो बैल भी ले गया, वरना कमबख्त जब तक ये बैल हमारे घर में था तो कोई ना कोई अजाब मुसीबत नाजिल होती रहती। तो ये इसकी ये कहानी है, सीधी सी कहानी है लेकिन ये काफी दिलचस्प है, मसनवी के अंदाज में लिखी हुई है। इसका मैं छोटा सा एक आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें एक मजे की चीज है कि इसमें है जो नज्म में या आपकी जो राइमिंग वर्ड्स है उर्दू की, उसमें कॉर्पोरियल ब्यूटी जो है या जो सरापा है यानी सर से लेकर पैर तक जो बदन है उसको प्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंफ है, उसको सरापा ही कहते हैं उसके अंदर, और वो पूरा उसका बयान हुआ है सिपाही का बतौर औरत, और वो बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ से इस वक्त मैं आपको सुनाऊंगा जहां से दुल्हन बना हुआ सिपाही जंगल में ठगों को मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे कोई लूट के ले गया है,
और फिर वो कहते हैं तो मेरे साथ चलो, दूसरा कहते हैं मेरे साथ चलो। तो ये वहां से शुरू करता हूं मैं कि अब उसको देख के दोनों भाइयों को पसंद आई है ये दुल्हन। वो कहते हैं जो देखी उसकी आंखें सुरमा आलू, वही आशिक हुए वो दोनों मर्दूदी। वो दोनों यानी दोनों ठग। कहा इतने कि तू मेरे रहा कर, वो बोला दूसरा तू रह मेरे घर। ज्यादा जी से खुश रखूंगा तुझको कि छप तेरी ये बाती हैगी मुझको। कहा फिर दूसरे ने मैं ज्यादा तेरी खिदमत का रखता हूं इरादा। दिलो जान से तेरी खिदमत करूंगा, तेरी मर्जी के मैं ताबे रहूंगा। लगी होने जो यूं दोनों में तकरार, तो दोनों से ये बोली फिर वो होशियार कि कोई और भी है घर तुम्हारे। कहा हाँ किबलागाही है हमारे। किबलागाही ये नहीं वालिद हमारे। कहा कुछ मत करो तकरार यहाँ तुम, यहां से ले चलो मुझको वहां तुम। कहेंगे वो बुजुर्ग अब जिस तरह से पजीरा कीजियो तुम उस तरह से, यानी उस तरह वो बात मानना जिस तरह बुजुर्ग तुम्हारे बताए। गरज डोले को वो दोनों उठाकर पिदर के पास उसको ले गए घर। सिपाही ने वहीं एक आंख दिखला, किया बुढ़े को आशिक अपने रुख का। कहा बेटों ने फिर ये बाप से हाल कि इस औरत का है एक तुरफा अहवाल। गया है छोड़ खाविन उसका इज्जा, भला अब ये बेचारी जाए किस जा। रहा ये चाहती है घर हमारे, इसे हम पास लाए हैं तुम्हारे। रहे ये पास मेरे या के उसके, यानी मेरे भाई के। रहे ये पास मेरे या के उसके, रहे अब ये कहो तुम पास जिसके। हुआ था देख बुढ़ा उसको शिदा, कहा बुढ़े ने बेटों से कहूं क्या। अगर तुमने किया अब आह ये काम, तो रोटी का भी होगा मुझको आराम। रहेगी ये अगर घर में तुम्हारे, ना हरगिज काम आवेगी हमारे। भला बेटा भला बेटो करो तुम क्यों ना वो काम कि रोटी का हो जिसमें सबको आराम। रहेगी घर में मेरे पास बल्ला, तो बैठी खुश रहेगी हंस पे दिलखा। मुनासिब है तुम्हें बस अब यही बात कि हरगिज मत लगाओ तुम इसे हाथ। ये सुनकर बात बेटों का गया होश, बरस वो हो रहे लाचार खामोश। जमा रहने लगा बुढ़े के जब पास, रही बेटों को भी हरगिज न कुछ आस। जमा रहने लगा बुढ़े के जब पास, रही नहीं जब वो जवान या जो सिपाही था। वो बुढ़ा पास रखता था जमा को, फिदा करता था उस पर अपनी जान को। खिलाता था उसे खाने अजायब, नहायत ही अजायब और गरायब। कभी घर में का उसको जर दिखाता, कभी जेवर कभी गौहर दिखाता। मका में जिस कदर थे नकद व अजनास, दिखाया सब उससे रख रात दिन पास। कभी कहता था तू घर की है मालिक, तमाम इस जेवर व जर की है मालिक। नसीब अच्छे थे तेरी ऐ मेरी जान, जो बेटे मेरे ले आए तुझे यहाँ। बहुत होती तुझे हर तरफ खुआरी, अकेली बन में फिरती मारी मारी। अगर होती जरा वहां और भी देर, तो खा जाता तुझे आकर कोई शेर। तो ये इस तरह से बड़े मियाँ ने उसको राजी करके और अपने तौर पर बहुत माना कर शादी करना चाहिए। तो आज का किस्सा एक मुख्तसर बिल्कुल किस्सा है, बहुत इसके कुल सफात 40 नहीं 50 करीब है। और इसकी फरहंग अब्दुल रशीद साहब ने बनाई है, जो कि हिंदुस्तान में उर्दू के प्रोफेसर थे, और उन्होंने बहुत मेहनत करके इसकी वो भी तैयार की है। इसकी जो फरहंग है तमाम मुश्किल अल्फाज की, और इसको उन्होंने एडिट किया था, और ये हमने उनका एडिट शुदा मतन जो है इसको गेट्स फार्मा लाइब्रेरी ऑफ उर्दू क्लासेस से छापा है। और गेट्स फार्मा जैसा मैंने आपसे पहले किया था, एक दवा साज इदारा है जिसने कल्चर और अदब की प्रेजर्वेशन और इसकी प्रमोशन के लिए इस सीरीज को स्पॉन्सर किया है। तो आज की बात मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जी मरियम फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं कुछ सा। ज्यादा नहीं, बस मुझे हमेशा दिस इज अनदर वन दैट आई क्वाइट लाइक. मैं सिर्फ वो आई थिंक कि मैं पहले आपसे सवाल कर चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन मेरा ख्याल में जो लोग इसको बाद में सुनते हैं उनके लिए ये इंटरेस्टिंग है कि उर्दू में ये मसनवी की तरह लिखा गया, जो आपने पढ़ के सुनाया, बड़ा उसका एक राइम और रिदम है, और अंग्रेजी में आपने इसको प्रोज में किया है, जो मिलती है उसकी प्रेसिडेंस है ए, किस्सा बैल के नाम, मैन विद बुल जो है, तबेल सबेल वाला जी। वाला, दैट्स इट. तो आपने डिसीजन क्यों लिया था कि आप इसको प्रोज में ट्रांसलेट करेंगे? एक तो ये कि मैं मीट्रिक ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल ना अहल हूँ उसके लिए मैं, तो ये सीधी सी वजह थी। और दूसरी, अगर इसका हो जाए मीट्रिक वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में, तो बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन मैं इसको देख रहा था बतौर कहानी, कि ये कहानी है और सिर्फ इसका जो नैरेटिव है, बाकी जो उर्दू में इसकी खूबसूरती है और उसका हुस्न, उसके मसनवी का, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कहानी बजाते खुद इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि ये बिल्कुल एक सिंपल सा नैरेटिव है। और ये जिस शख्स ने इनको, तो खुशदिल खिदमतपुरी साहब जो थे, उन्होंने इसको सुना और इसको उन्होंने नज्म की सूरत या मंजूम लिखा, या उसमें मसनवी की सूरत में लिखा। तो यानी जो ट्रांसफरेंस है इसका, या जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन ट्रेडिशन टू अनदर, वो एक नसरी किस्सा है जिसको उन्होंने मंजूम लिखा, और उससे मैंने फिर दोबारा से उसको मार पीट के वापस नस में कन्वर्ट कर दिया। और ये भी होता है अक्सर कि मंजूम कोई चीज हो, उसको कोई नस में बयान कर दे, उर्दू में इस तरह की कई ये मिसालें हो सकती वैसे ओरल स्टोरी टेलिंग की का हुस्न भी यही है शायद, कि उसको जैसे चाहे कहानी जब पकड़ लिया आपने तो फिर उसको यू कैन पुट इट इन एनी फॉर्म है। हाँ डिपेंडिंग बिल्कुल। ऑन अब काइंड ऑफ जी, अब स्टोरी. जिस तरह मसनवी सरल बयान है, उसको नसरे बेनजीर के नाम से नस में लिखा गया है, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो। दोनों अपनी जगह पर उर्दू के क्लासिक्स करार दिए जाते हैं, तो इस तरह है। बिल्कुल ठीक. और इसका जो असल मजा है, वो एक जो एक एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, कि भाई वो दुल्हन बना, वो घर में बैठा हुआ है और बड़े मियाँ बहुत उस पर मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, कह रहे भाई बैठिए बेचारी, और उसको एज अ फीमेल, उसको देख देख कर जो उनके ख्याल में के दिल पर जो अहवाल गुजर रहा है, वो एक बहुत कॉमिक एक पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर। और उसको खुशदिल कैतपुरी साहब ने बहुत मजे से बयान किया है, वो नमक मिर्च लगाकर उन्होंने मजे से उसकी मंजूम खूबियां गिनवाई है, तो वो एक बड़ी मजेदार चीज। और फिर इस तरह ये जो है सरापा की जो सिंफ है, इसमें ये है कि ये अमूमन इस तरह इस्तेमाल नहीं होती है। यानी अगर कोई मर्द है, तो उसका मर्दाना, उसका हुस्न के तौर पर अक्सर तो इसमें होशरवा में है कि कोई शहजादा है या कोई जादूगर है, उसकी बयान किया गया है उसका हुस्न। लेकिन एक औरत के भेष में एक मर्द है, उसका इस तरह बयान करना, तो ये एक यूनिक चीज थी इसके अंदर, which is quite interesting। नहीं, आई और किसी थिंक का ये जी? एक ऐसा किस्सा इतना छोटा है ये, कि कोई भी अगर somebody gets their hands on to this, तो it won't take them more than an hour to finish it. So बिल्कुल। it's kind of अगर जिनको तो लगता बहुत है कि उनके ही पास वक्त नहीं है, ये आई थिंक उर्दू क्लासिक्स का ये फायदा है, बिकॉज दे आर सेपरेटेड लाइक दैट, सो दैट सेंस कि दे कैन फिनिश इन वन कार राइड और इन अ जर्नी और कुछ.
हाँ बिल्कुल, और अगर आपको उर्दू में पढ़ने में दुश्वारी है तो अंग्रेजी तर्जुमा इसका उसके साथ साथ है, और urduclassics.com पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये इसके तमाम तराजम मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई और सवाल नहीं है तो बस फिर आज की नशिस्त को खत्म करते हैं, और आपसे फिर अगले हफ्ते जुमेरात के रोज मुलाकात। थैंक यू।